नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं जहांगीर आलम, आप देख रहे हैं कॉल पी मिरर, हर पल आपके साथ। राम जन्मभूमि, बाबरी मस्जिद, अयोध्या मामला, नासूर बन चुके ये तीन सब अब हम भारतीयों को कभी सुनाई नहीं देंगे। महानतम और ऐतिहासिक फैसले के लिए सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय सराहनीय रहा है। पिछले तीन दशकों से हम भारतीयों की सबसे कमजोर पहलू भावना को इन तीन शब्दों ने काफ़ी आहत किया है। देश के विकास और उन्नति में भी इन तीन शब्दों ने काफ़ी रोड़े अटकाए हैं। आज से ये तीन शब्द लुप्त हो जाएंगे, साथ ही लुप्त हो जाएगी वो मुद्दे जिनकी आड़ में राजनीतिक रोटियां सेकी जाती रही हैं। आज के दिन देश के लिए अखंडता, एकता और सौहार्द का परीक्षण का दिन रहा है, जिस पर हम भारतीय काफ़ी खरे उतरे हैं। इस ऐतिहासिक दिन की खुशियां मनाई जानी चाहिए, क्योंकि दशकों पुराने मर्ज का आज सफल इलाज हुआ है। आज इसी ज्वलंत मुद्दे पे CFM टीम ने देश के युवाओं से बात की और आशा के अनुरूप सकारात्मक उत्तर भी प्राप्त हुआ। जो अयोध्या में जो फैसला आया है उस पर आपका क्या कहना है? सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला हुआ उससे हम सहमत हैं। अयोध्या मसले पे जो फैसला आया उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? अयोध्या जो फैसला आज आया है और ये जो निर्णय लिया गया कि अयोध्या मंदिर वहीं बनना चाहिए, मेरे मुताबिक मंदिर मस्जिद वहाँ नहीं बन के वहाँ अस्पताल या फिर बड़ा कॉलेज वहाँ पर बनना चाहिए था, जिससे हमारे नौजवानों को चिकित्सा और पढ़ाई के माध्यम वहाँ पे अच्छा होता। मेरा नाम मंदीप पासवान। इसका जो फैसला है उससे क्या आप सहमत हैं? हाँ, ये जो फैसला सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला हुआ इससे मैं सहमत हूँ और खुश हूँ। आपका नाम क्या हुआ? पंकज कुमार सिंह। आज जो फैसला आया उसके बारे में क्या कहोगे? ये जो भी फैसला आया उससे हम लोग सहमत हैं, क्योंकि हमको भी पहले भी ऐसा फील हो रहा था कि ये जो विवाद की जमीन था उस पर नॉर्मली क्या होना चाहिए, सही मतलब दोनों पक्ष को हमको पैसे पहले से ये फील हो रहा था कि बैठा के सेटिस्फाइड कर देना चाहिए था। इसका अकॉर्डिंग टू क्या होता, दंगा फसाद जो नॉर्मल सा जो बात होता वो क्या होता, मैटर हट जाता। और ये जो भी फैसला लिया सुप्रीम कोर्ट बहुत अच्छा लिया, एक पक्ष को इधर दे दिया गया, एक पक्ष को उधर दे दिया गया। ये तो जानते हैं कि बाला साहब ठाकरे का समय से अरुण जेटली और जो जो भी थे बाला साहब ठाकरे उन्हीं समय से जमीन था ये। पर ठीक है, बहुत अच्छा बात है कि बट गया और दोनों पक्ष क्या हो गया, अलग अलग हो गया, दोनों सेटिस्फाइड। मेरा नाम कृष्णा गांधी। हाँ, मेरा नाम अंकिता कुमारी है। अच्छा, अभी आप क्या करते हो? अभी LLB फर्स्ट सेम। कहाँ से कर लिया मैंने? कहाँ से? दुर्गापुर इंस्टीट्यूट ऑफ लीगल स्टडीज। अच्छा, अभी जो आज सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट आया, जो फैसला आया, इसके बारे में तुम क्या बोलोगे? आज सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है वो बहुत ही यादगार रहेगा, मतलब बहुत ही यादगार रहेगा। ये जो अयोध्या विवाद था काफी दशकों से यह पूरा देश और कहा जाए तो पूरा विश्व इसमें फंसा हुआ था, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा मंदिर मस्जिद हिंदू मुस्लिम देखा जा रहा था। तो यह इसलिए किसी भी पार्टी को या किसी भी देश के नागरिक को कुछ भी अंदेशा नहीं था कि यह फैसला किसके पक्ष में जाएगा। सबसे बड़ा बात हिंदू मुस्लिम था, जिसमें यह अंदेशा लगाया जा रहा था कि या अगर ये फैसला आएगा, अगर हिंदू के पक्ष में आए तो मुस्लिम दंगे होंगे और मुस्लिम के पक्ष में आए तो दंगे होंगे, क्योंकि सब धर्म सबसे आगे है हमारे हिसाब से। लेकिन जो आज फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, जो हमारे जजों ने जो फैसला दिया है बहुत ही अच्छा दिया है, क्योंकि यह फैसला ना मुस्लिम के पक्ष में है ना हिंदू के पक्ष में, ये दोनों को देख के किया गया। जैसे कि हम जानते हैं ये भारत हमारा सेकुलर देश है, लोकतंत्र का देश है, मतलब सर्वधर्म समान है, सभी लोग समान है, सभी धर्म का यहाँ पे सम्मान किया जाता है। और जिस तरह से हमारे जस्टिस ने सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है, यानी सब धर्म को एक नजर से देख के किया है, ना हिंदू को स्पेशल दिखाया गया ना मुस्लिम को, दोनों पक्ष को समान देखा गया। ये जो फैसला है क्या लगता है यहाँ ये इशू क्लोज हो जाएगा? इशू तो क्लोज होने जितना फैसले के इतने घंटे बाद अब तक किसी दंगे के होने का मैंने सुना नहीं है, न्यूज में सुबह से देख रही हूँ। तो अब लगता है जैसे सब लोग संतुष्ट है इस फैसले से, तो क्लोज होने के चांस। ये फैसला जो इतना जल्दी आया इसका क्रेडिट किसको दोगे, सिरे के किसको जाएगा इतना जल्दी फैसला आया? ये जो फैसला इतना जल्दी आया है अगर देखा जाए तो ये बीजेपी
मोदी जी को ही दिया जाएगा, क्योंकि इनका प्रोपागेंडा में मैं 2014 से देख रही हूँ कि ये अयोध्या मामला सुलझाएंगे ऐसा कहा गया था, फिर दोबारा ये चुनाव लड़े उन्होंने ये कहा था, तो एक बहुत बड़ा इश्यू बन गया था इनके लिए भी, इनका भी सेल्फ रिस्पेक्ट पे था। अगर ये इस बार इस फैसले का नहीं, अगर ये इस बार फैसला नहीं आता तो शायद बीजेपी को मुश्किल हो सकता था। अब तो बीजेपी जो राजनीति करती थी मंदिर को लेकर के, तो क्या ये राजनीति बंद हो जाएगा? हाँ, राजनीति बंद कर बात उठ गई है, क्योंकि कोई किस बहुत लोगों से मैंने सुना था ये बीजेपी हिंदू को ज्यादा देखती है, मुस्लिम को रहने देगी, लेकिन ये फैसले के बाद मुस्लिम भी अब सपोर्ट करे, यानी बीजेपी मुस्लिम हिंदू दोनों को एक साथ देख रही है। ऊपर से हमारे ये जो इशू है, ये बंद होने से बीजेपी को कितना नुकसान होगा? ये तो क्लोज हो जाएगा, झगड़ा नहीं होगा हिंदू मुसलमान, तो फिर किसको फायदा ना? बीजेपी का जहाँ तक मेरा है कि उनका मोटिव है कि देश को शांति बनाए रखना, तो ये फैसला से अगर देश शांत रहेगा तो बीजेपी को या जितने भी नेता है उनको अच्छा ही लगेगा, खासकर हमारे प्रधानमंत्री को, क्योंकि उनपे बहुत बड़ा इल्जाम है कि वो मुस्लिम विरोधी है। तो आखिर मैं तुमसे ये चाहूंगा कि आपको क्या मैसेज है एज ए एडवोकेट अभी आप पढ़ रहे हो? हाँ, जैसा कि मैं अभी शुरुआत ही है मेरा एडवोकेट का, लेकिन मैं बताना चाहूंगी कि भारत के सभी लोगों से मैं ये गुजारिश करूंगी कि हमारे देश के कानून या संविधान का सम्मान करें जैसा कि वो करते आ रहे हैं। किसी भी, हमारा देश का संविधान ऐसा है कि किसी भी इंसान को स्पेशल नहीं बनाया जाएगा, हर इंसान एक है, तो कानून पर विश्वास करके लोगों ने बहुत ही ज्यादा अच्छा काम किया है, क्योंकि फैसला सबके हक में ही आया है। तो मैं सबको यही कहना चाहूंगी कि कृपया, जैसे आप लोगों ने हमारे देश के संविधान पर यकीन किया है और आपके यकीन पर हम खड़े उतरे हैं, तो प्लीज ऐसे ही करते रहिएगा, सबके चाहे आपस में मिलकर रहें, सब हम भारतवासी एक हैं और कोई अलग नहीं है, सब धर्म सम्मान है।